ये जो फिगर दिख रहा है आपके सामने, इफ यू सी, इस पे लिखा है पी वेव्स। अगर आप अर्थ को स्टडी करते हैं तो अर्थ के अंदर से जो सबसे पहली चीज निकलती है वो होती है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स के हमने क्या करेक्टर पढ़े थे कि प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। तो इसका मतलब जो है कोर जो है वो लिक्विड है, तभी तो ये पास करके निकल गई। तो वो कह रहा है 105 से 145 तक पी वेव्स हमारे को क्या होता है, नहीं मिलती, एक शेडो बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ के लिक्विड में जाती है तो उनका जो जाने का तरीका होता है वो टेढ़ा हो जाता है। दे डू नॉट गो द वे दे शुड हैव गॉन। व्हाई? बिकॉज द अर्थ इज लिक्विड। तो ये प्रूव करता है कि अर्थ इनसाइड जरूर लिक्विड है, इसीलिए छोटा सा शेडो जोन बन जाता है दोनों तरफ। और वो कितना से कितने तक बनता है, यू सी आई हैव हाईलाइटेड, और वो बनता है 5 डिग्री से 0.5 to 45। राइट, अब मैं आगे आपको दिखाता हूं कि वो क्या कह रहा है। हाँ, आगे वो दिखा रहा है। अब आप देखिए, आपका फिगर आ गया। यहां पर जो वेव्स, प्राइमरी वेव्स जो अर्थ के अर्थक्विक आता है ना, उसके बाद जो बनती है, मतलब अर्थक्विक जो है वो उस वेव को नहीं बना रहा। अर्थक्विक इज नॉट द कॉज ऑफ दिस वेव। ये अर्थक्विक ने सबसे पहली जो वेव बनाई वो प्राइमरी वेव है। प्राइमरी वेव के कॉज के हमारे सेकेंडरी वेव पैदा होती है। अर्थक्विक की पहली वेव जो निकली वो प्राइमरी वेव, अब जब उसके बाद जो उसके जो वेव निकली वो है सेकेंडरी वेव। और सेकेंडरी वेव जो है वो सॉलिड में तो पास करती है मगर लिक्विड में से पास नहीं कर सकती। तो इसका जो शेडो जोन है, आप देखो 105 से शुरू होकर 105 डिग्री के बाद कहीं कहीं नहीं पहुंचती है। वापिस चलो सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव्स को देखो, इसका शेडो जोन छोटा है, प्राइमरी वेव्स का शेडो जोन बहुत छोटा था, ये ऊपर लिखा है, और सेकेंडरी वेव्स का शेडो जोन बहुत बड़ा है। सेकेंडरी वेव्स का कैरेक्टर क्या है कि वो सॉलिड में से निकलती है, लिक्विड में से नहीं निकलती। तो ये प्रूव करता है कि अर्थ इनसाइड इज लिक्विड एंड अर्थ एंड क्योंकि ये पास ही नहीं कर पाई, और ये कि ये मुड़ मुड़ के गई तो उसका मतलब लिक्विड में से जब पास करी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा होगा साइंस में, उसके हिसाब से ये चेंज आ जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस।